गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय अमृतन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होगे और कहीं ना कहीं अभी यूएससी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी होगी। मेरा यार फॉर्म फिलिंग का कोई मन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट कर चुका हूँ, नेक्स्ट अगस्त में 3 साल कंप्लीट। तो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और इंटरनल प्रमोशन ऑफिसर लेवल के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। भैया UIC भर के क्या ही सेंस है, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं शायद नहीं भरूंगा। हाँ, मेरी वाइफ जरूर भर सकती है, SBI में है, तो UIC शायद, वो भी कन्फर्म नहीं उसका भी, क्योंकि उसके भी 1 साल हो चुका है। जब तक एग्ज़ाम आएगी उसका 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। अभी कैसा है कि LIC असिस्टेंट का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली हम बैंकर्स लोग तो वेट कर ही रहे हैं, क्योंकि जो इतनी दूर दूर पोस्टेड है, भैया ऑब्वियसली बात है, घर के पास पोस्टिंग किसको पसंद नहीं है। तो मैंने एक्चुअली कल बैठा था फ्री, तो मैं चेक कर रहा था, तो 2-3 चैनल्स थे, नाम नहीं लूंगा यार, मैं वीडियो बना के रख दी कि जनवरी के सेकेंड वीक में आपका LIC आएगा और फेब के थर्ड या फोर्थ वीक में प्री की एग्ज़ाम है और अप्रैल सेकेंड वीक तक मेंस की एग्ज़ाम है। मैं ऐसा था कि भाई नवंबर निकल चुका, दिसंबर में कट चुका, जनवरी में फिर कटने के लिए बैठे। तो मैंने आकाश सर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि LIC आपका ज़रूर आएगा। अभी कुछ उनके पास डिटेल नहीं है, बट वो बोले लेकिन LIC ज़रूर आएगा, इफ़ यू आर एमिंग फॉर LIC तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, भाई मैंने तो भाई झूठ नहीं बोल रहा, जिस दिन आकाश सर ने नवंबर में कहा था LIC आएगा, मैं तब से स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन करना, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहता फैमिली के पास जाना। तो भाई मैं तो मॉक टेस्ट भी लगा दी, तो यार मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरा मेंस कुछ 10 या 20 मार्क्स से रह गया था, तब इतनी नॉलेज नहीं थी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है। मेरा स्कोर कार्ड भी आपको शो कर दूंगा कि मेरे को मेंस में कितना कितना स्कोर था। मैं आपको बोलूँगा भाई, मैंने जब प्री क्वालिफाई किया था तो उस समय कट ऑफ था 63 नागपुर डिवीजन का, और मेरे को 65 था आउट ऑफ 70, और 100 में से 91 था मेरा स्कोर। तो मैं आपको बोलूँगा टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट को लगाओ, काफ़ी अच्छी मॉक टेस्ट है, मतलब मैं तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ 1-2 मॉक टेस्ट, मैं आपको दिखा भी दूंगा मेरा कितना स्कोर है। मुझे टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट काफ़ी सही लगी, क्योंकि मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया हो तो मुझे आइडिया है कि कैसा लेवल रहता है LIC का प्री का। तो मैं आपको अपने लेवल से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टेस्ट बुक की मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। और यदि कोई सोच रहा है कि कब तक आएगा, मैं आपको ये बोलूँगा भाई, बीइंग अ एस्पिरेंट, मैं भी ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ बट मेरा भी टारगेट LIC है, तो मैं एक एस्पिरेंट की सोचूँ तो मेरे को एक टारगेट मिल गया भाई कि फेब में हो सकती, भले हो या ना हो, अगर वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो वो तो मेरे लिए गोल्डन टाइम है कि भैया मुझे और टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उस समय बाकी सारे एग्जाम्स आएंगे, ECCPO आएगा, LIC AA आ सकता है, ये चीज़ याद रखना, उसके बाद GIC की एग्ज़ाम आ सकती है, उसके बाद CB की एग्ज़ाम आ सकती है, तो आपकी तो प्रिपरेशन को एक बूस्टिंग मिल रही है। तो आप लोग ये सोच के पढ़ लो, और यार हम लोग तो बैंकर है, हमारे पास टाइम नहीं होता, बट स्टिल हम लोग को जॉब चाहिए, तो हमने अभी से स्टार्ट कर दिया पढ़ना। बाकी मैं टेक्स्ट बुक की लिंक डाल दूंगा। और यार देखो नोटिस का बस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा, और अभी जो लोग बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, दैट गॉड नोज, बट मैं एस्पिरेंट हूँ तो मैं सोचूंगा भाई चल ठीक है, लेट्स वेट, क्या पता आ जाए। बाकी ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।